वाराणसी जिले में आज पहाड़ियां पे पोखरे के पास एक मोबाइल मिलने से लोगों में आशंका हुई कि कोई व्यक्ति ने इसमें कूदा है। हालांकि सूचना पाकर पहुंची एनडीआरएफ की टीम और थाना के प्रभारी फोर्स के साथ अगर ढूंढने पे एक व्यक्ति पाए गए। उनकी पहचान हुई रमरेपुर की परमानंद पटेल, उम्र लगभग 24 साल। परिवार से कोई लफड़ा नहीं था। क्या नाम है? परमानंद पटेल। उम्र क्या थी? 25 साल। क्या शादी शुदा भी थी? हाँ, शादी शुदा। बच्चे भी थे? नहीं, अभी तो 4 महीने शादी हुआ है। कितने भाई थे? हम दो लोग भाई। बड़े थे या छोटे थे? छोटा भाई। तो कैसे आप लोग को यहाँ पता चला कि वो कुछ मोबाइल वाइल पर्सों से यही मिला है? हम लोगों को सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि कोई आदमी जो जिसका नाम परमानंद पटेल है, पुत्र शीतला पटेल, रमरेपुर के रहने वाले हैं, ऐसी आशंका हो रही थी कि किसी पोखरे में वो डूब गए हैं। उनका मोबाइल और पर्स ऊपर मिला, इसकी शंका के बल पर थाने को सूचना दिया गया और आज एनडीआरएफ आई उनको जांच की। क्योंकि सूचना तो लगभग गुमशुदी 9 बजे दर्ज की गई है थाना में और एनडीआरएफ लगभग 11 बजे आई है। उसके बाद काफ़ी एनडीआरएफ के जवानों ने खोजबीन करके उसको निकाला है। परिवार वालों का मेरे यहाँ कोई आरोप नहीं है जी। जो भी आगे का आरोप उनका होगा जाकर तो वहाँ लालपुर पांडेपुर में रहेगा। अभी हमसे तो कुछ नहीं कहे, हमसे सोचा लिए कि मेरा भाई यहाँ डूब गया है तालाब में जी। आगे कार्रवाई इस वजह से हम लोगों ने एनडीआरएफ को बुला करके उसकी तस्दीक करवा दी। अच्छा, अशाव को पोस्टमार्टम हो गया सर? उसी से अब बाड़ी गई है, अब पता नहीं अभी हुआ कि नहीं हुआ, बाड़ी भेजा है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।